सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो मंकी कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो गाइस, इस फोटो में जो मैं गाइस जितने बैकग्राउंड पेज इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी के लिंक आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप सभी को पहले करना है क्या, पहले इस बैकग्राउंड को आप सभी को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस मैं यहाँ से अपने मॉडल को ले लूँगा, ठीक है? तो यहाँ से मॉडल को ले लेता हूँ। एंड उसके बाद जो है आप सभी को करना क्या है, आप सभी को अपने मॉडल को सिंपली इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, ठीक है? एंड मॉडल को थोड़ा छोटा करके लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। एंड उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप, उसके हम पहले करेंगे यहाँ से हम ओपेसिटी को कम, ठीक है? इस तरह से ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दिया हमने। एंड उसके बाद हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो किस तरफ मतलब लगाना है हमें, ठीक है? तो यहाँ से जाएंगे रेजर में, यहाँ से कर देंगे इन्वर्ट एंड ब्रशेज में जाएंगे। एंड उसके बाद जो है हमें गाइस जहाँ जहाँ पे अपना मॉडल चाहिए वहाँ वहाँ पे हम इस तरीके से पेंट करेंगे, ठीक है? एंड गाइस, आप सभी को ध्यान देना है कि जो सबसे नीचे जो दो मंकी हमारे, इसके बीच में हमारा मॉडल होगा, तो आपको इस तरीके से उस तरीके से ही पेंट करना है। एंड वहीं वहीं पर आपको ड्रॉ करना है जहाँ पर आपका मॉडल होगा, ठीक है? तो वहाँ वहाँ पर पेंट कर देना है। एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं यहाँ से फटाफट पेंट कर। सो गाइस, फाइनली हमारे यहाँ पे अपने मॉडल को लगा लिया है। तो अब उसके बाद क्या करना है आप सभी को जाना है एडजस्ट में, ठीक है? एंड उसके बाद जो है ब्राइटनेस को आपको कम रखनी है अपने मॉडल की, ठीक है? ताकि आपका जो मॉडल है ब्लैक ब्लैक दिखाई दे थोड़ा सा। तो उसके बाद आप सभी को यहाँ से डन कर देना है। एंड उसके बाद आती है हमारी बारी यहाँ पे नीचे की तरफ शेडो को बनाने की, ठीक है? तो हम ऐसे जाएंगे टूल्स में, एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस जो है इसको जो है ब्राइटनेस को बिल्कुल 100 अमाउंट इसका माइनस कर देंगे, ठीक है? तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे जाना है इरेजर में, ऐसे इन्वर्ट कर देना है। ब्रशेज में जाके हार्डनेस को कम करके साइज़ को थोड़ा बढ़ाकर हार्डनेस को थोड़ा सा हल्का बढ़ा के एंड इस तरीके से आप आपको नीचे की तरफ पेंट करना है, ठीक है गाइस? तो ऐसे पेंट कर देना है। एंड जो मतलब कि ये जो है हमारा मंकी है जो इसके पास थोड़ा सा मतलब ब्लैक है, जो थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम दोबारा से मतलब कि यहाँ से दोबारा से हम इरेजर में जाएंगे एंड ब्रशेज में जाके इसमें इरेजर में जाके यहाँ से हम जहाँ जहाँ मंकी है हमारे वहाँ वहाँ का ब्लैक पार्ट को हम इरेज कर देंगे एंड यहाँ से कर देंगे डन, ओके? सो उसके बाद जो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, तो उसको मैं थोड़ा सा इतना रख लेता हूँ इस 71 तक एंड यहाँ से कर देंगे डन, ओके? सो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसके बाद जाना है हमें यहाँ से ड्रो टूल के अंदर। तो यहाँ से हम ड्रो टूल में जाएंगे। ड्रो टूल में जाने के बाद जो है हमारा जो मॉडल है उसके साइड में हमारे मंकी का शेडो बनानी है, ठीक है? तो उसके लिए हमें जो है ब्रश का अमाउंट रखना है 10 तक, ठीक है? एंड उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे ऐसे ब्रश पेंट करना है इस तरीके से कि जो कि लगे कि हाँ हम हमारा जो मॉडल है उसके आगे मंकी खड़े हैं। तो आपको इस तरीके से शेडो बनानी है। एंड जो आपका जो ये ड्रेस है नीचे की तरफ जो आ रहा है येलो येलो, मैं इसको पूरा डार्क कर देता हूँ ब्लैक। तो मैं थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देता हूँ इसका एंड यहाँ से मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे पेंट कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से इस तरीके से पेंट कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एक लेयर बनाएंगे हम दोबारा से नई सी, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा डार्क कर दिया तो उसके लिए हमें और आगे भी बनानी है। तो उसके लिए हम नई लेयर बनाएंगे। पहले हमें जैसे ब्रश का अमाउंट है तो उसको पहले हम आपसे एक लेयर बनाते हैं एंड ब्रश के अमाउंट को वापस से हम कम कर देंगे, जितना था उतना ही कर देंगे, मतलब कि 10% के आसपास, ठीक है? तो उतना कर देते हैं एंड 12-11 तक रख लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से हम जहाँ पे हमारा मतलब कि हैंड आ रहा है मॉडल का, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक पेंट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से पेंट करते हैं कि यहाँ पे पेंट कर देते हैं। एंड उसके बाद हमें बारी आती है इस साइड की, तो अब इस साइड में हल्का हल्का इस तरीके से पेंट कर लेते हैं ताकि जो मतलब कि हमारा जो मंकी है ना उसका थोड़ा लगे कि हाँ शेडो है, तो इसमें यहाँ पे भी पेंट कर देंगे। एंड गाइस, अगर ज़्यादा डार्क हो जाए आपसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लेयर से जाके भी वहाँ से भी ओपेसिटी को कम कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ से कम कर लेना। सो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, थोड़ा सा अब हम इसमें फेस पे रीटचिंग करेंगे एंड उसके बाद कलर करेक्शन करेंगे। तो पहले हम फेस को रीटच करते हैं। तो रीटच करने के लिए पहले आप सभी को जाना है ब्यूटी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप सभी को ब्यूटी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो ब्यूटी वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड उसके बाद जाएंगे हम फेस फिक्स पे। एंड इसके जो अमाउंट है उसको हम कम रखेंगे, ओके? सो इसको हम यहाँ पर कम कर देते हैं और फिर उसके बाद है यहाँ से जूम करेंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे पेंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है? तो गाइस, यहाँ से हमने ऐसे ऐसे पेंट कर दिया एंड एक यहाँ पे पेंट कर देंगे और एक यहाँ से। सो यहाँ पे फेस को हम इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे, ठीक है गाइस? तो अगर आप सभी को भी मतलब कि स्मूथ करना नहीं आता फेस, तो उसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था, वो वीडियो भी चेकआउट जरूर करना एंड वहाँ से सीखना जरूर। तो आप सभी को काफ़ी इजी हो जाएगा फेस स्मूथ करना। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, तो अब करते हैं हम फोटो को यहाँ से सेव
एंड जो कलर करेक्शन है वो करते हैं हम लाइट रूम ऐप के अंदर। तो हमेशा की तरह हम लाइट रूम ऐप के अंदर चलेंगे। सो गाइज, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यार आप सभी का भाई आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। एंड यार हो सके तो यार अपने फ्रेंड के साथ एक बार शेयर जरूर कर देना, ताकि यार मेरा भी कुछ भला हो जाए। तो यार प्लीज़ यार शेयर भी कर देना। बाकी तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आ जाते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने फोटो को ओपन कर लिया है और फोटो हमारी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। तो यहाँ से हम फोटो को ओपन करेंगे एंड जो आप सबको नीचे लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस कोने में, इसको ले लेंगे एंड जो कॉन्ट्रास्ट है हम इसको बढ़ा देंगे। हाईलाइट्स है इसको जो है हम प्लस की तरफ रखेंगे एंड शेडो है इसको हम प्लस की तरफ रखेंगे। ठीक है, एंड जो ब्लैक है इसको हल्का सा माइनस की तरफ एंड वाइट है जिसको हल्का सा प्लस की तरफ। एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे एंड जाएंगे मिक्स में एंड जो ऑरेंज कलर है इसके सेचुरेशन को पहले माइनस करना है। ओके, सेचुरेशन माइनस करना है। येलो कलर है जो इसका थोड़ा यू को माइनस करना है, फिर उसके बाद इसकी सेचुरेशन इसको पूरा माइनस कर देना है। फिर वापस एक बार ये चलते हैं हम यहाँ से ऑरेंज वाले में और उसके बाद जो है जो ह्यू है इसका इसको हम रखते हैं माइनस की तरफ, थोड़ा ऑरेंज सा टोन देने के लिए। तो उसको माइनस की तरफ एंड सेचुरेशन को हल्का सा माइनस एंड ल्यूमिनस को हल्का सा प्लस की तरफ। ठीक है, इतना हो गया। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप, हमें जाना है नीचे वाले टूल में। ठीक है, एंड उसके बाद फोटो क्लियरिटी है उसको बढ़ा देनी है। ओके, तो इसको बढ़ा देते हैं एंड जो विग्नेट है हमें हल्का सा डालना, क्योंकि फोटो में विग्नेट पहले से ही था तो हम इसे विग्नेट हल्का सा डालेंगे। एंड जो ग्रेन अमाउंट है इसको बढ़ा देंगे हम एंड उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देंगे और उसके बाद जो नॉइज रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देंगे एंड कलर नॉइज रिडक्शन इसको भी बढ़ा देंगे। एंड जो गाइस हमें जो फेस पे डोजन बनता वो हमने किया नहीं था, तो उसके लिए आज हम लाइट रूम ऐप के अंदर ही डोजन बन करेंगे। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सिलेक्टिव टूल के अंदर एंड यहाँ से हम ब्रश को अभी सिलेक्ट नहीं करेंगे, पहले हम फोटो को जूम कर लेंगे। ठीक है, तो फोटो को हमने जूम कर लिया एंड जाएंगे ब्रश में। ब्रश में जाने के बाद जो है आप सभी को पेंट करना है जहाँ जहाँ पे आप सभी को डोजन बन करना है। ठीक है, एक हमें यहाँ लाइन ले, एक यहाँ लाइन ले वाले दो, एक यहाँ पे और एक नोज के पास। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है आप सभी को जाना है ब्राइटनेस में एंड उसके बाद जाना आप सभी को इसको बढ़ा देना है। ठीक है, लाइट वाला उसमें जाकर इसके एक्सपोजर को हमें बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये अभी मतलब कि ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो उसको हम पूरा 100 करके देखते हैं। तो 100 में परफेक्ट है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और ज़्यादा हमें इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत भी नहीं है। काफ़ी अच्छा डोजन बन हो गया लाइट रूम ऐप के अंदर भी, तो आप भी ट्राई करना, लाइट रूम में भी अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस, यहाँ वीडियो हमारी यहीं तक थी। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।